हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है सबका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए, उनके बारे में एक बार सोचना चाहिए देखने के बारे में, अगर आपके पास Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन है तो, या आपने अभी अभी लिया है, या एक महीने वाला फ्री ट्रायल पीरियड मिला हुआ है तो आप इन सभी मूवीज को देख सकते हैं। इनके बारे में एक बार कंसिडर कर सकते हैं। हाँ चलो, ये अच्छी मूवीज है, इनको एक बार देखना चाहिए। नंबर 1 पर है शेरशाह। ये मूवी कारगिल वार के एक बहुत ही जाबाज सैनिक विक्रम बत्रा के लाइफ पर बेस्ड है। और इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है। मतलब कुछ भी ओवर द नॉस नहीं दिखाया गया है, ज्यादा से ज्यादा इसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। चाहे वो वॉर वाले सीन्स हो, चाहे विक्रम बत्रा की लव लाइफ वाली चीजों को दिखाया गया है। ये मूवी बहुत ही ज्यादा आपको एनर्जी से भर देगी, आपको अंदर बाहर पूरी तरह से देशभक्ति से भर कर रख देगी। और स्पेशली जो लोग आर्मी लवर्स हैं उन लोगों को तो ये मूवी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और साथ ही साथ इस मूवी में विक्रम बत्रा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल से लव स्टोरी को भी दिखाया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे इस मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू दोनों मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है, आप उसको भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से देख सकते हैं। नंबर 2 पर है गुड न्यूज। अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर की ये एक बहुत ही फनी मूवी है। इस मूवी का कोर थीम ये है कि अक्षय कुमार और करीना कपूर के शादी को 7 साल हो चुके हैं। पहले वो बच्चा करना नहीं चाहते थे और अब करना चाहते हैं तो हो नहीं रहा है। और जब वो लोग हर तरह से हार जाते हैं तो वो लोग साइंस की मदद लेना चाहते हैं, IVF टेक्निक से बच्चा पैदा करने का डिसीजन लेते हैं। और जब बच्चा पैदा करने वाला प्रोसेस आगे चलता है, स्टार्ट होता है, तो होता है पंगा एक बहुत ही कमाल का। अक्षय कुमार का जो बच्चा रहता है वो दिलजीत दोसांझ की वाइफ के पेट में चला जाता है, और जो दिलजीत दोसांझ का बच्चा रहता है वो अक्षय कुमार की वाइफ यानी कि करीना कपूर के पेट में चला जाता है। और उसके बाद ये मूवी अपने कॉमेडी और जोक्स का पिटारा खोलती है और आपको हंसा हंसा करके पूरी तरह से पागल कर देती है। और नंबर 3 पर है जलेबी। ये कहानी है आयशा और देव की। देव एक टूरिस्ट गाइड रहता है और आयशा एक टूरिस्ट रहती है, वो उसके शहर में आई रहती है घूमने के लिए। और वहीं पर उन दोनों के बीच प्यार व्यार हो जाता है, शादी वादी भी हो जाती है, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं एंड उसके बाद आयशा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है, अलग थलग रहने लगती है। एंड उन सब ये सब होने के कई सालों बाद वो एक ट्रेन जर्नी में मिलती है देव की वाइफ से। एंड उसके बाद मूवी कुछ फ्लैशबैक में, कुछ प्रेजेंट में ऐसे आगे पीछे करके चलती है एंड एक के बाद एक कई सारे राज खुलते हैं एंड कई सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिलती हैं। एंड दिस मूवी इज टू गुड। एक के बाद एक ऐसे ऐसे राज खुलते हैं, पता चलता है कि हाँ भाई, रिलेशनशिप में ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कैसे बहुत ही बड़ा इफेक्ट ला देती हैं लोगों के लाइफ में। एंड पता चलता है कि आखिरकार इस ऐसा उस रिश्ते के नहीं चल पाने के पीछे गलती किसकी थी। एंड मोर देन दिस मूवी, इसके गाने आज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड डेफिनेटली आपने भी तो सुने ही होंगे, तो इस मूवी को भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। वैसे इस मूवी में रिया चक्रवर्ती हैं और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू रिया चक्रवर्ती की मूवी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो इस बात का मेरा सीधा सिंपल और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है कि भाई इस पूरी मूवी को रिया चक्रवर्ती ने नहीं बनाया है। तो अगर इस मूवी का स्टोरी अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है, अच्छी तरह से बनाया गया है, इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है तुम्बाड़। अगर आप कोई एक सीरियस सी हॉरर मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस मूवी है एंड इसमें कोई ऐसे नॉनसेंस सब भूत नहीं है, ना ही कोई भूतिया हवेली है, ना ही कोई आधी रात को निकल करके कौन है करते हुए निकल जाता है भूत के पीछे। ये एक बहुत ही सीरियस और सेंसिबल हॉरर मूवी है। अगर आप इस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं, भूतों से डर नहीं लगता है, तो इस मूवी को देख सकते हैं एक बार। और नंबर 5 पर है गली बॉय। ये एक ऐसी मूवी है जिसने इंडिया के मेजॉरिटी लोगों को रैप और अंडरग्राउंड हिप हॉप से इंट्रोड्यूस कराया। और ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसकी तारीफ में 10 मिनट तक नॉनस्टॉप कर सकता हूँ। चाहे इस मूवी के इमोशंस हो, इस मूवी का ड्रामा हो, रणवीर सिंह, सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय राज जैसे कमाल के एक्टर्स की कमाल की एक्टिंग हो, इस मूवी का स्टोरी हो, चाहे जो कुछ भी हो, सिनेमेटोग्राफी, हर एक चीज़ इस मूवी का परफेक्ट है। और इन सब पर 4 चांद लगा देता है इस मूवी का म्यूजिक। लाइक म्यूजिक टॉप क्लास है, आज भी उसको सुनोगे ना तो मतलब इट्स टू प्लीजेंट। तो मतलब इस मूवी को देखना तो बनता है। वैसे मैंने इस मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है अपने इस वाले वीडियो में, आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 6 पर है KGF चैप्टर 1। एंड सीरियसली इस मूवी के बारे में भी बताना पड़ेगा मुझे। चैप्टर 2 ने क्या कमाल मचाया, देखा नहीं तुम लोगों ने? इस मूवी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस देख लो चुपचाप, अगर नहीं देखिए तो। वैसे मेजोरिटी लोगों ने देख लियो कि मुझे पता है। और ये मूवी YouTube पर भी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसको YouTube पर देख लो, मतलब दोनों जगह है, जो करना है करो।
इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है, सिंपल बात। नंबर 7 पर है हिंदी मीडियम, और इस मूवी में इरफान खान एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनका सपना है कि उनकी जो बेटी है वो एक अच्छी सी हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और अच्छी खासी इंग्लिश बोले, अच्छा खासा लाइफस्टाइल जिए, और उसके लिए वो बहुत कुछ करते हैं। कभी सुपर हाई फाई फैमिली से बिलोंग करने का रोल प्ले करते हैं, तो कभी गरीबों के सरदार बन जाते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं। एंड क्या वो अपनी बेटी का एडमिशन करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं, और क्या कुछ भी होता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने जानने को मिलेंगी। और ये मूवी कुछ ऐसी है कि कुछ सीन्स में आपको पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर कर देगी, और कुछ सीन्स में आपकी आंखें भी नम कर देगी। तो इस मूवी को भी आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 8 पर है राब्ता। एंड पता नहीं क्यों मैंने अभी तक बॉलीवुड में जितने भी पुनर्जन्म और पिछले जन्म वाली मूवीज देखी हुई हैं, मोस्टली बहुत ही ज़्यादा क्रिंज होती है, एक्सेप्ट दिस मूवी राब्ता। इस मूवी में दो परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर कपल्स हैं जो एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एंड उनके पिछले जन्म से एक करेक्टर आ जाता है उनके प्रेजेंट वाले लाइफ में, और उसने पिछले जन्म में भी उन दोनों को अलग किया हुआ था, और इस जन्म में भी वो ऐसा ही कुछ करना चाहता है। एंड क्या वो इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है, ये सब जानने को देखने को मिलेगा आपको इस मूवी में। और एंड ट्रस्ट में ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके गाने वगैरह भी बहुत ही अच्छे हैं, एंड आप देख लो, मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है ये मूवी। नंबर 9 पर है पुष्पा, मैं छुकेगा ऐसा। इस मूवी के बारे में भी बताना पड़ेगा। देखो ये सिंपल है, मास्टरपीस है, अल्लू अर्जुन ने मचा डाला है इस मूवी में। ज़्यादा जानने के लिए इस वाले वीडियो को देख लो, रिव्यू है छोटा सा, एंड बस ये बहुत ही कमाल की मूवी है, देख लो, बहुत ही अच्छा है, आप रिग्रेट नहीं करोगे, इतनी अच्छी मूवी है। नंबर 10 पर है जय भीम। हमारे देश में लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर रखा गया है, कुछ ऊपरी जात के लोग हैं, बीच वाले जात के लोग हैं, और कुछ निचली जात के लोग हैं, और ये मूवी इसी बात पर सवाल उठाती है। निचले जात लोग जो कहा जाता है, बेसिकली मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, बट हाँ, जो निचली जात हैं उन लोगों के साथ किस तरह से गलत बिहेव किया जाता है, पुलिस उनके साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव करती है, उन पर एक बहुत ही सीरियस क्राइम का इल्ज़ाम लगा देती है, एंड एक लॉयर है जो उनकी मदद करता है, एंड कैसे इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, उनके साथ बहुत ही ब्रूटली बिहेव किया जाता है, बहुत ही बेकार तरह से उनको ट्रीट किया गया रहता है, वो लॉयर उन लोगों को कैसे जस्टिस दिलाता है, एंड ये सब की स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है। एंड ये मूवी बहुत ही रियलिस्टिक है, और एंड ये कई की सीन्स में आपको रुला देगी, मतलब इतनी पावरफुल है ये मूवी, इसको बहुत ही, यार ये रियल लाइफ पर बेस्ड, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवी है, तो इस मूवी को भी आप डेफिनेटली एक बार देख सकते हो। वेट, एक और बोनस मूवी के बारे में बताता हूँ जो कि अमेजन प्राइम पर ही अवेलेबल है, एंड ये मूवी बहुत ही कमाल है, एंड ये मूवी देख करके आपको बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में चले जाओगे, इस नॉर्मल दुनिया में ही रहोगे, एकदम अलग ही अत्यंत संतुष्टि मिलेगी आपको, दुनिया के दुख दर्द से मुक्त हो जाओगे आप, तो अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस मूवी का नाम है रेस 3, देख लेना, आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, अमेजन प्राइम पर यह मूवी भी अवेलेबल है, देख लो। तो बस यही था आज का ये वीडियो, मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।